तो गाइस कैसे हो आप लोग, आज हम फिर से खेलने वाले हैं द सेम गेम नेम RC22। और ये मैच गाइस डायमंड 1 के बंदे के साथ होने वाला है, जिसकी भाई रेटिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब कुछ बेटर है भाई। और भाई सबसे पहले तो भाई आप शुरुआत में इसकी बॉलिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा भाई ये तो नूब है, बैटिंग में भी आपको नूब लगेगा, लेकिन आखिरी में जो बंदा खेला है ना भाई, आप भी बोलोगे भाई क्या तगड़ा अपोनेंट था यार, क्या कमबैक करी है, बहुत बढ़िया भाई खेला अपोनेंट। तो पहला ओवर यहाँ पे मार्कुट से करवाया था और यहाँ पे देख सकते हैं पहली गेंद हमने पता नहीं भाई इस गेंद को छोड़ा क्यों, मुझे लगा ना कि ये फास्ट बॉलर है तो गुड मतलब शॉर्ट लेंथ पे बॉल करेगा, लेकिन मुझे पूरे मैच में लगा कि भाई आखिरकार मैंने इस मैच को छोड़ा मतलब बॉल को छोड़ा कैसे, लेकिन उसके बाद ये रिकवरी करके छक्का लगा दिया था अगले ही बॉल पर। इस बार यॉर्कर फिर से डाली थी, लेकिन इस बार हम कहाँ छोड़ने वाले भाई, यहाँ पे भाई चौका मिल गया, जो बॉल छूटा था ना भाई वो मैं पोजीशन ख़राब कर बैठा था और तेज़ गति से गेंद थी तो छोड़ना पड़ा। यहाँ पे फास्ट बॉल डाली थी लेकिन अपोनेंट जो था वो स्लोअर वंस उसमें डाल दिया था मतलब वेरिएशन में, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे हमारा टाइमिंग नहीं बन पाया। इस बार शॉर्ट लेंथ पर बॉल है, आखिरी गेंद है और जाएगा बॉल बाउंड्री के बाहर। और इसी के साथ पहले ओवर से हमने 14 रन स्कोर करी थी अपने गलती से एक विकेट, और भाई अपोनेंट की मेहनत से एक विकेट, दो विकेट हमारे गिरे थे। अगला ओवर भाई वेरन रॉफ पे लेके आए थे और इनकी भाई बॉलिंग एक्शन गजब है, पहली गेंद दौड़ गई थी लेकिन उसके अगले गेंद पे हमने छक्का लगा दिया था, कमाल की कमबैक करी थी हमने और सीधे 6 रन के साथ। तो गाइस चलो इस बार फिर से गुड लेंथ पे बॉल, फिर से घुमाया है बल्ला को, फिर से गैप में गई है गेंद और यहाँ पे मिलेगा चौका। आप छोटा सा फील्डिंग देख के जरूर शौक होगा कि भाई अपोनेंट इस तरह से क्यों रखा है फील्ड, क्योंकि भाई इसके बाद जो बॉलिंग एक्शन है ना उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था अपोनेंट कि भाई यार इससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आखिरी वाला शॉट था ना भाई ये देखो तारों के शहर में गेंद चली गई। इस बार फिर से अगले 3 भाई अब तक फास्ट बॉलर का इस्तेमाल कर लिया है, जबकि भाई RC22 में बहुत कम बंदे मिलेंगे भाई जो 3-3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, मतलब यहाँ पे तो भाई जो मैक्सिमम बंदे मिलते हैं ना क्राउन एस वाले में, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, कम से कम अपोनेंट जो प्लेयर होता है एस और क्राउन वाला वो 3-3 नहीं 4-4 स्पिनर कम से कम इस्तेमाल करता है भाई, अलग ही सीन चलता है। हालांकि कोई इलीगल नहीं है लेकिन थोड़ा सा बहुत भाई स्पिनर पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। फिलहाल यहाँ पर हमारा एक और विकेट जाता हुआ, इस बार भाई यॉर्कर के लिए हमने ये शॉट रख ली थी और बोला था भाई डालो जितना यॉर्कर डालना है, और यहाँ पर निकाल दिया चौका। इस बार गुड लेंथ पे बॉल डाली थी, पीछे हट गए थे और ये लो 275 बॉल तारा मंडल में छक्के के लिए, क्या जबरदस्त शॉट है। इस बार फिर से ये देखो भाई कहाँ जाके मैंने ये शॉट खेला भाई, क्या कमाल का शॉट भाई, पूरे उधर भाई ये ऑफ मतलब बाहर ले गए स्टंप के बाहर जाके तब खेला था भाई, क्या ही मतलब अलग सीन बना था। इस बार देखते हैं ये शॉट देखो, बिल्कुल पहली गेंद यहाँ पे बॉट जो थे 4 भाई फास्ट बॉल का इस्तेमाल कर चुका अब तक अपोनेंट, बाउंसर से शुरुआत गई थी लेकिन अगली गेंद फुल लेंथ पे गए थे और हमने चौका लगा दिया। इस बार देखते हैं वाइड यॉर्कर, इस बार फिर से सेम शॉट और फिर से सेम रिजल्ट, क्या कमाल की बल्लेबाजी होती हुई। इस बार फिर से गुड लेंथ पे बॉल और यहाँ पे 275 खेलने की कोशिश, सीधे हाथ में बॉल और इसी के साथ हमारा एक और विकेट जाता हुआ। आखिरकार ये यहाँ पे पार्ट टाइमर गेंदबाज आए हैं, लेकिन इनको पार्ट टाइमर मत समझिएगा, इसके पास इतना ज़्यादा मूवमेंट है ना, देखो मैं कितना पीछे चला गया फिर भी ये मूवमेंट देखो भाई बहुत मूवमेंट है, लेकिन हमने थोड़ी सी वेट करी और इसको भाई अपनी रिकवरी करी चौके के साथ। भाई थोड़ा सा देखना पड़ता है ना कौन सा बॉलर किस टाइप के बॉलिंग करता है, इस बार हम हट चुके थे क्योंकि मुझे पता था भाई कि मुझे वाइड लेना है किसी भी हाल में, और वाइड हमने करवा भी दिया। 72 रन बन चुके थे, अभी भी एक गेंद बाकी था। इस बार अपोनेंट वाइड यॉर्कर के लिए गया था, 295 के साथ हमने चौका लगा दिया। आखिरी गेंद आने वाली है, इस बार हम 276 खेलने की कोशिश, वहाँ पे फील्डर हम मुझे लगा चौका मिल जाएगा इसलिए मैंने रन नहीं भागा, लेकिन यहाँ पे ओवर थ्रो होगा डायरेक्ट हिट के चक्कर में, और इसी बीच यहाँ पे 2 रन पूरा हुआ, हमने टोटल स्कोर करी है 78 रन भाई। तो चलो अपोनेंट को 79 रन स्कोर करना है, तो गाइस देखते हैं किस तरह की भाई अपोनेंट की बैटिंग रहती है। आप थोड़ा देर के लिए भाई इसको जरूर नूब बोलने वाले हो, देखो यहाँ पे भाई पहली गेंद हमने शुरुआत करी थी आउट स्विंग से और बिल्कुल बीट कर दिया यहाँ पे। इस बार फिर से हम करने वाले हैं और इस बार भी बढ़िया शॉट, ये शॉट बहुत ही ज़बरदस्त है आउट स्विंग इन स्विंग गेंद के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। जब तक गेंद थ्रो होगी 3 रन पूरा हो जाएगा, अपोनेंट कहीं ना कहीं भाई ये स्कोर ज़्यादा देख के पैनिक होगा और उसका हम फायदा उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे चौका लगाया बहुत अच्छा शॉट हमने भाई 578 और 101 तीन दोनों शॉट को कवर कर दिया था, लेकिन तब भी अपोनेंट अच्छा शॉट खेल रहा था और यहाँ पे ओवर थ्रो के चक्कर में रन की भागेंगे और सीधे जाएंगे पवेलियन, डायरेक्ट हिट लग चुकी है। तो मैंने बोला था ना भाई ज़्यादा रन के चक्कर में अपोनेंट जरूर गलती करेगा, पैनिक होगा और हम उसी का बेनिफिट उठाएंगे। तो फाइनली हमें एक विकेट एलेक्स शेल के रूप में मिल चुका है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विकेट होने वाला है अपोनेंट का। तश्किन अहमद अपनी 5वीं बॉल लेके चले हैं और ये देख लो भाई क्या शॉट खेला है भाई, क्या गजब का शॉट, यहाँ पे मिलेगा चौका। तो भाई अब हम लेके आए हैं राधा कृष्णन को, क्योंकि भाई राधा कृष्णन से उम्मीद थी
कि थोड़ी सी भाई और बढ़िया करें और पावर प्ले में भाई 2-3 विकेट निकाल देंगे तो हो गया भाई, अपोनेंट मतलब किसी भी तरह से इस मैच को नहीं जीत पाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। कैरम बॉल डाले हैं हम इस बार और यहाँ पे अपोनेंट, ओ भाई साहब ये गलत शॉट था, ये गलत शॉट था भाई, अपोनेंट को दूसरा गेंद लगा लेकिन बॉल थी एक कैरम जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब लगा नहीं, बैट से कनेक्शन नहीं बना। लेकिन यहाँ पे 275 खेलने की कोशिश सीधे हाथ में। अब तक भाई गाइज मुझे लग रहा था ना कि भाई ये बंदा जो है वो अच्छा खेल नहीं पा रहा है, नॉर्मल प्लेयर है भाई, इसकी टाइमिंग हो नहीं रही है। मैंने भाई अब तक भाई इसको मतलब हल्के में ले लिया था, शुरू में इसने मुझे हल्के में लिया था और भाई इसने मतलब बैटिंग के बाद हमने लिया था, लेकिन यहाँ से भाई इसने शुरुआत कर दी थी थोड़ी बहुत अपनी और देखो यहाँ पे चौका निकाल लिया था। तो यार इस बार हमने बॉल को अंदर लेके आया था, ड्रिफ्टर बॉल रखी थी ताकि अपोनेंट को मतलब, लेकिन ये देख लो भाई पोजीशन सही कर लिया अपोनेंट, टाइमिंग कर देगा तो यहाँ पे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं टाइमिंग नहीं कर पाया और सीधे हाथ में जाएंगे। और इसी के साथ राधाकृष्णन को मिला 3 विकेट मिल चुका अब तक गाइस 5 बॉल में 4 रन देके। तो कहीं ना कहीं अब तक अपोनेंट की पूरे तरीके से बैंड बज चुकी है, लेकिन इस बार हमने फुलर लेंथ को चूज करी है और ये शॉट भाई क्या शॉट है भाई, खोद के निकाला है भाई इस बॉल को, चौके के लिए भेजा है। तो गाइस अब हम करने वाले हैं एनरिच नॉर्डे से 3रा ओवर और इनसे कहीं ना कहीं यॉर्कर करवाएंगे और अपोनेंट को इस ओवर में रन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और इस ओवर में रन नहीं बना तो भाई अपोनेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि अब तक भाई इसकी जो है ना वो रन रेट हो चुकी है 19 की रिक्वायर्ड रन रेट। यहाँ पे 2 रन लेने की कोशिश, ओवर थ्रो हुआ है, 3रा रन लेंगे, 3रा रन नहीं लेंगे भाई, बहुत अच्छी डिसीजन यहाँ पे वाइड यॉर्कर और भाई कहाँ टच नहीं कर पाओगे भाई, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। चलो भाई सर फिर से वाइड यॉर्कर अपोनेंट पोजीशन कर लिया था और ये देख लो एनरिच नॉर्डे को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो गाइस चलो इस बार देखते हैं ये शॉट, देखो गाइस आखिरी गेंद को भी चौका, नॉर्डे को 15 रन स्कोर कर लिया भाई अपोनेंट ने। अब यहाँ पे हम हैंगरकर को लेके आए थे और पूरा विश्वास था भाई कि हैंगरकर तो भाई कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेगा। तो भाई पहली गेंद स्लोअर वंस और पहली गेंद को यहाँ पे बढ़िया शॉट खेला है, लेकिन जब तक गेंद थ्रो होगी 2 रन लेने का मौका है और अपोनेंट 2 रन से पीछे हटने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे स्कोर हो चुका है अपोनेंट का 41 रन्स। इस बार देखो ये शॉट देख लो भाई, हैंगरकर की कुटवाई होती हुई यहाँ पे छक्का लग चुका है, क्या कमाल का शॉट, ये देखो एक और 6 भाई साहब, क्या कमबैक करी थी अपोनेंट ने, हालत ख़राब कर दी थी हैंगरकर का, 17 रन बन चुका था। अभी भाई 2 गेंदे इनकी बाकी थी, 17 रन बन चुके थे भाई 4 गेंदों में, हैंगरकर को बनाना कितना मुश्किल है आप लोग अच्छे से जानते हो। यहाँ पे भाई 2 रन लेने का और मौका है, 2 रन और पूरा होगा बिल्कुल, 19 रन बन चुके, अभी भी 1 गेंद बाकी है। इस बार हमने यॉर्कर ट्राई करी थी लेकिन ये शॉट देखो क्या शॉट है, यहाँ पे मिल गया चौका और इसी के साथ अपोनेंट ने हैंगरकर को स्कोर करी थी 23 रन डाई, लिटरली भाई 6 गेंदों में हैंगरकर के 23 रन बने थे। आखिरी ओवर चलने वाला है भाई, ज़्यादा रन तो है नहीं, अब देखते हैं भाई किस तरह से अपोनेंट खेलता है यहाँ पे। भाई ज़्यादा रन तो है नहीं, पहली गेंद और बढ़िया शॉट, जब तक गेंद थ्रो होगी यहाँ पे 2 रन लेने का मौका है, क्या बिल्कुल 2 रन लेने का मौका है और पूरा भी हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे गाइस देखते हैं 24 रन मतलब 24 के रिक्वायरमेंट है रेट है भाई, 24 रन नहीं है और गाइस यहाँ पे 2 रन लेने की कोशिश, 2 रन पूरा भी हो जाएगा। तो गाइस अब 2 बॉलों में 10 रन चाहिए अपोनेंट को, 2 बॉल में 10 रन, भाई साहब किस तरह के शॉट खेलने वाला है अपोनेंट, हम तो बॉल करने वाले हैं आर्म बॉल है, इसकी स्पीड हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि अपोनेंट को दिक्कत हो। अपोनेंट पोजिशन भी सही किया, शॉट भी सही खेला है, पर टाइमिंग नहीं हो पाई है जिसकी वजह से यहाँ पे 2 रन पूरा होंगे। अपोनेंट भाई 3रे रन के लिए भाग चुका है, 3रे रन भी पूरे हो गए ओवर थ्रो के चक्कर में और यहाँ पे 4था रन ड्राइव मार चुका था अपोनेंट, वरना 4था रन भी आसान तरीके से पूरा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे ड्राइव की वजह से भाई अपोनेंट के भाई 1 विकेट जाता हुआ, उठ के फिर से दौड़ने में प्लेयर को टाइम लग गया। अब आखिरी गेंद पे चाहिए 6 रन चाहिए भाई मैच को ड्रॉ करवाने के लिए और 7 रन जीत के लिए। तो भाई अपोनेंट इस शॉट कैसे खेलता है इस बॉल पे देखते हैं। कैरम गेंद हमने तेज गति से डाली है ताकि अपोनेंट कहीं ना कहीं दिक्कत करे, लेकिन ये शॉट देख लो भाई क्या शॉट, क्या पोजीशन, क्या टाइमिंग भाई, जबरदस्त शॉट। यहाँ पे आखिरकार हमने 2 रनों से इस मैच को जीता है भाई, लिटरली 2 रनों से बस। भाई वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलता रहे।